What's up guys, welcome back to another video. तो मैं आ चुका हूँ अपनी माउंटेन बाइक लेकर इंडिया के टॉप माउंटेन्स पे, और आज की वाली वीडियो में मैं सीखने जा रहा हूँ कुछ क्रेजी स्टंट्स इस माउंटेन बाइक पे। वैसे तो मुझे कुछ बेसिक स्टंट्स आते हैं, जैसे कि मैं ऐसे हाथ छोड़ के चला सकता हूँ और मैं एक मस्त से स्किट मार सकता हूँ, लेकिन आज की वाली वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कुछ एक्सट्रीम लेवल पे। तो सबसे पहले मैं सीखने जा रहा हूँ एक ड्रिफ्ट, जिसमें मुझे अपनी साइकिल के पीछे वाले टायर को कुछ इस तरीके से रोटेट करना है। वैसे थोड़ा सा इजी है बट देखने में बहुत कूल है। सेकंड, मैं सीखने वाला हूँ एक स्टॉपी, जिसमें मुझे अपनी साइकिल के पीछे वाले टायर को कुछ ऐसे उठाना है। हाँ, वैसे कूल तो ये भी है देखने में, बट ये थोड़ा बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर आगे को गिरा ना भाई मुंह टूट जाएगा। थर्ड, मैं करने वाला हूँ एक नो हैंडेड राइड, जिसमें मुझे अपने दोनों हाथ छोड़कर साइकिल को चलाना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने ये पहले कभी ट्राई नहीं करा। फोर्थ, मैं करने वाला हूँ एक ट्रेल राइड, जिसमें मुझे ऐसे पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, जंगलों के बीच में अपनी साइकिल को बहुत तेज चलाना है। हाँ, मतलब ये भी मैंने पहले नहीं करा, बट ये थोड़ा सा और ज्यादा डेंजरस है। देन सबसे लास्ट में मैं करने वाला हूँ एक व्हीली, जिसमें मुझे अपनी साइकिल के बस आगे वाले टायर को यूं उठाना है। हाँ, इजी है बट मुश्किल है फ्री स्टाइल व्हीली, जिसमें मुझे उस टायर को उठा के कंटिन्यूअसली साइकिल को चलाते रहना है। आई डोंट नो कि आज के दिन मैं पांचों स्टंट्स को सीख पाऊंगा या फिर नहीं, बट ठीक है, ये चैलेंज है मेरे लिए। चलते हैं फटाफट से लर्निंग पे। तो ड्रिफ्ट मारने के लिए मुझे अपनी साइकिल की बैक ब्रेक को फुल टाइटली होल्ड करना है, देन हैंडल बार को रोटेट करना है ताकि पीछे वाला टायर रोटेट हो जाए। लेट्स गो, ट्राई करते हैं। ये काफी लाइट था बट कर सकता हूं मैं अच्छे से, और लेट्स सी। ठीक है, फेल नहीं था, गिरा नहीं हूं मैं। एक और ट्राई करते हैं। आई थिंक मैं जितना फास्ट आऊंगा उतनी अच्छी कर सकता हूँ। मुझे ये वाला पैर जमीन पे नहीं रखना है। ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम था। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 और ट्राई करने के बाद मैं एकदम परफेक्ट हो गया ड्रिफ्ट में। Easy. अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिफ्ट कितनी कूल लगती है। All right, तो बारी है स्टॉपी की। मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है इसमें, क्योंकि इसमें बस आगे का ब्रेक प्रेस करना है। ये एक ऐसा स्टंट है ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट आगे गिरने के चांसेस बहुत रहते हैं अगर उसमें मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तो। लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है। मैंने प्रॉपर ब्रेक प्रेस करा, शायद से मुझे अपना वेट भी आगे को डालना है। थोड़ा टाइट प्रेस करता हूँ नेक्स्ट टाइम। सोचने में तो बहुत इजी लग रहा था कि बस आगे का ब्रेक प्रेस करना है और स्टॉपी लग जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। आधे घंटे तक मल्टीपल ट्राई करने के बाद फाइनली मेरी साइकिल का पीछे वाला टायर उछला। हुआ हुआ हुआ, उछल तो रही है भाई, उछलने लग गया। लेट्स गो, अभी मैं शायद से मूवमेंट समझ गया हूं। और ये कोई बार बार तुक्के नहीं लग रहे थे। इस पॉइंट तक मैं समझ गया था कि एक छोटी स्टॉपी कैसे मारते हैं, बट बड़ी स्टॉपी मारने के चक्कर में कुछ ये हुआ। लकीली गिरने के बाद मुझे और मेरी साइकिल को कुछ नहीं हुआ, बट एक चीज को बहुत डैमेज पहुंचा, जो कि था मेरा कॉन्फिडेंस। मैं मजे मजे में साइकिल से टोपी मार रहा था, बट इसके बाद तो टोपी मुश्किल लग रही है भाई। अरे कर लोगे, समझ ही नहीं आ रहा साइकिल कंट्रोल करूँ या खुद को करूँ। एक और ट्राई। ठीक है, ये सब तो मुड़ गया भाई, ऐसा लग रहा है। चलो भाई कोई नहीं, ग्लव्स फट गए भाई आगे से ही। कोई नहीं, एक और ट्राई टोपी पे। डर बैठ गया भाई, अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा पीछे से उछालने का। सक्सेसफुली एक हुई, बट डर अभी भी बैठा हुआ है। मैं और एक्सट्रीम कर सकता हूँ, बट मैं एक बार, ठीक है करते हैं। ये थोड़ी कम थी बट ठीक थी। दोबारा से आधे घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद मैं एकदम परफेक्ट हो गया स्टॉपी में। ड्रिफ्ट भी डन है, ओ स्टॉपी भी डन है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ नो हैंड राइड। मुझे अपने दोनों हाथ को छोड़ के साइकिल को चलाना है। ये स्टंट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, बट इसमें बैलेंसिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग मैंने करी सिंगल हैंड से, जो कि मेरे को आता ही था। फिर उसके बाद मैंने सीधा ट्राई करा दोनों हाथों को छोड़ के साइकिल को चलाना। काफी देर तक प्रैक्टिस और कुछ फेल्स के बाद मैंने चूज करा एक स्ट्रेट रोड, ताकि मुझे ज्यादा टर्निंग ना करनी पड़े। ऑब्वियसली यार, इस केस में मेरे हाथ में हैंडल बार नहीं रहेगा, तो मुझे अपनी बॉडी से ही राइट लेफ्ट मूव करना है। मैं इसमें एकदम परफेक्ट होता चला गया। स्टार्टिंग में मैं बस एक दो सेकंड तक ही हाथ छोड़ पा रहा था, बट धीरे धीरे ये टाइम भी बढ़ता गया। बाकी यार, मैं एक बार भी 10 सेकंड से ऊपर नहीं कर पा रहा था, और मुझे अपने थोड़े बहुत दांत भी प्यारे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मूव करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट स्टंट होने वाला है ट्रेल्स। इस स्टंट को करने के लिए मैं काफी कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैं डायरेक्ट अपनी साइकिल लेके पहुंच गया माउंटेन्स के टॉप पे। ट्रेल्स मेरे लिए थोड़ा बहुत रिस्की था, बट उतना डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, वो बात अलग है कि अभी प्लेटफॉर्म भी थोड़े बहुत सिंपल थे, बट शायद से मैं तगड़े प्लेटफॉर्म पे भी इसे इजीली कर सकता हूँ। फाइनल स्टंट की बारी है व्हीली। वैसे मेरे को इस स्टंट के बारे में कोई भी टिप्स नहीं पता है, बस इतना पता है कि मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी बॉडी को हैंडल को पकड़ के पीछे होऊंगा तो ऑब्वियसली आगे वाला टायर उठेगा। अब उसको बैलेंस कैसे करना है वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। लेट्स गो, एक बार ट्राई करते हैं। शायद थोड़ी सी उछली, बट बहुत सारे ट्राई करने के बाद भी मुझसे व्हीली नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन सर्च करा और मुझे पता चला एक परफेक्ट बॉडी मूवमेंट। यस, फाइनली एक बार हुआ। पहले से शायद बेस्ट था ये वाला, बट एक और फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद ही मैं एकदम परफेक्ट हो गया फ्रंट टायर को जंप कराने में। व्हीली तो हो रही है, बट फ्री स्टाइल व्हीली नहीं समझ आ रही कैसे करूं। फिर तो हाथ दर्द हो गया यार इसमें। अब फ्रंट टायर जंप तो हो गई थी, बट मुझे सीखनी है व्हीली, जिसके लिए मुझे इस टायर को हवा में कंटिन्यू रखना है। तो इसके लिए भी मैंने काफी ट्राई करे, बट कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने दोबारा से इंटरनेट खोला और थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि मेरे बॉडी मूवमेंट में ही गड़बड़ है। ऑलराइट, तो भी व्हीली मैं सीख चुका हूँ, बट अब बारी है फ्री स्टाइल व्हीली की, तो ट्राई करते हैं उसे भी। One hour later. बस मुझसे नहीं हो रही आ रही है वेली। मैं 100 से भी ज्यादा ट्राई कर चुका हूँ, बट शायद इसे सीखने के लिए थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस चाहिए। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मैं काफी थक गया था, तो मैंने अपनी साइकिल उठाई और सीधा चला गया माउंटेन्स की डाउनहिल राइड पे। ऑलराइट गाइस, तो आज के साले वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना है। इस वीडियो पर एम करते हैं 250,000 लाइक के लिए, तो आई होप आप लोग गोल कंप्लीट कर दोगे। बाकी मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले ये सारे स्टंट्स सीख के दिखाऊंगा, और फिर मिलेंगे कुछ क्रेजी स्टंट्स वीडियो के साथ। फिलहाल आप लोग नीचे कमेंट्स में जाके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें साइकिल स्टंट सीखने का शौक है, उनके साथ आप लोग ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट 15th को, तब तक के लिए गुड बाय।